हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट विनी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइटन की दिसंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग टाइटन के जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के, जो कि थर्ड क्वार्टर और नाइन मंथ्स दोनों के रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं कंपनी की जो रिजल्ट्स देख सकते हैं कंपनी जो है यहाँ पर आपको नंबर शो हो रही होगी, जो कि करोड़्स में है। फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, जो कि सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग इनकम और अदर इनकम, इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो टोटल इनकम निकल के आएगी, जो कि देख सकते हैं 9570 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 7220 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रही थी। और वहीं बात करें कंपनी के दिसंबर 20 क्वार्टर की, देख सकते हैं फ्रेंड्स 7324 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रही थी, जो कि देख सकते हैं फ्रेंड क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर में अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें कंपनी का नाइन मंथ्स के इनकम की, तो नाइन मंथ्स के इनकम में भी जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपेंस की, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस और एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, फिनांस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, अदर एक्सपेंसेस, इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगी, जो कि इस बार देख सकते हैं फ्रेंड्स 8253 करोड़ के अराउंड एक्सपेंस देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 6352 करोड़ के अराउंड एक्सपेंस देखने को मिल रही थी। वहीं अगर हम इसके दिसंबर 20 क्वार्टर की तो देखें, तो देख सकते हैं 6559 करोड़ के अराउंड एक्सपेंसेस देखने को मिल रही थी। देख सकते हैं फ्रेंड्स कंपनी की तरफ से, जैसे जैसे कंपनी ने अपना इनकम किया, कंपनी का उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग वैसे एक्सपेंसेस देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स की, तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स इस बार निकल के आई है, देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिट्स देखने को मिल रही है 987 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 641 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रही थी, और दिसंबर 20 क्वार्टर में देख सकते हैं फ्रेंड 419 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रही थी, जो कि इस बार प्रॉफिट्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें नाइन मंथ्स के प्रॉफिट्स की, तो नाइन मंथ्स के प्रॉफिट्स में जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के ईपीएस की, तो कंपनी के जो ईपीएस इस बार देखने को मिल रही है वो 11.12 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिला, जो कि अच्छी खासी ईपीएस देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 7.22 का ईपीएस देखने को मिला, जो कि अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, अब ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी के प्राइस की, तो कंपनी की जो प्राइस एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, पहले इसके हम लोग सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सेगमेंट जो कंपनी का देख सकते हैं, कंपनी जो है सो देख सकते हैं वॉच एंड वियरेबल्स, ज्वेलरी, आई वी एयर, अदर्स, कॉर्पोरेट, सभी चीज़ों में जो है इसका सेगमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि लेकिन इसका अगर हम लोग मेन बिजनेस देखें तो ज्वेलरी से इसका जो है सो अच्छा खासा इनकम देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके बात करें शेयर की से, तो शेयर जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स 2490 रुपीज़ पे ट्रेड करा, जो कि 1% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ये थी ओवरऑल इसके जो है सो कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।